जर्नलिज्म की शुरुआत 1978 में की, 40 साल पूरे किए। धमकियां नई नहीं है, गालियां भी नई नहीं है, जान जाने का खतरा भी नया नहीं है, लेकिन मैंने अपने 40 साल की पत्रकारिता में इतना खराब, इतना जहरीला माहौल कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मुझ पर पहला हमला 1979 में हुआ, दूसरा 1991 में हुआ, तीसरा बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 93 में हुआ, और आखिरी हमला मेरे ऑफिस पर जब मैं आईबीएन लोकमत का संपादक था 2009 में हुआ था। इस देश में 2010 के बाद, मैं 2010 इसलिए कह रहा हूँ कि 2010 में मैं सोशल मीडिया पर आ गया। 2010 के पहले जो हो रहा था, गालियां मिल रही थी, धमकियां मिल रही थी, लोग हम जो लिखते थे उसके ऊपर नाराज भी होते थे और कई ऑफिस में घुसकर पिटते भी थे। 2010 के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद, इन सारी चीजों को एक लेजिटिमेसी मिली है। इनको मारने की जरूरत नहीं है, इनका पहले चारित्र्य हनन कर दो, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, फिर भी टिके रहते हैं तो फिर इनको मार दो, असैसिनेशन कर दो। ये स्ट्रैटेजी है, आप ध्यान में रखिए, ये स्ट्रैटेजी है। आप मोदी जी की बात करते हैं, मैं मानता हूं देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री ये है जिन्होंने देश का माहौल बिगाड़ा, और जहरीला माहौल बनाने में इनका योगदान सबसे बड़ा है। लेकिन मैंने ऐसे मोदी जी का अनुभव मेरे राज्य में किया है, दूसरे पार्टियों में किया है, जो पार्टियों में नहीं है और आतंकवादी संगठन चलाते हैं उनसे भी मैंने ये अनुभव लिया है। मैं आपको बात बताऊंगा, हमेशा बात होती है पिछले 4-5 सालों से दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के मर्डर की। गौरी तो हमारे जैसे ही जर्नलिस्ट थी, लेकिन जो संगठन इन सारे मर्डर्स के पीछे है, उस सनातन संगठन के ट्रोलिंग का, गालियों का, धमकियों का पहला अनुभव मैंने 2012 में लिया। उसके पहले जो हमले हुए थे तो हमारे दोस्त जो है शिवसेना में वो करते थे। जब ये अनुभव मैंने लेना शुरू किया, मैं आईबीएन लोकमत में था, टीवी शो रोज करता था, तब डॉक्टर दाभोलकर जिंदा थे, वो मेरे शो में आते थे, सनातन वाले आते थे, बहस होती थी। एक दिन सनातन वाले कुछ गलत बात कहने लगे तो एंकर का ये कर्तव्य है कि गलत जो बात कह रहा है ये या सब्जेक्ट से जो दूर भाग रहा है उसको रोके। मैंने उनको रोक लिया तो सनातन के प्रवक्ता बहुत ही भड़क गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। दूसरे दिन ये मेरा ट्रोलिंग का पहला अनुभव था और जो सोशल मीडिया के जरिए नहीं आया। दूसरे दिन उनका जो अखबार है सनातन प्रभात, वो बड़ी गंदी गंदी बातें रोज छापता है, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती, उसमें मेरा फोन नंबर इन्होंने छाप दिया। उसके बाद लगातार एक महीना मुझे रोज सुबह से शाम तक, रात तक फोन आते थे, गालियां आती थी, SMS आते थे। एक महीना यह ट्रोलिंग चलता रहा। तो ट्रोलिंग सिर्फ राजनीतिक पार्टियां करती है ऐसा आप मत मानिए। ट्रोलिंग का तरीका जैसे BJP ने अपनाया है, वैसे सनातन जैसे आतंकवादी जो संगठन है उन्होंने भी अपनाया है। 2012 से लेकर आज तक मैंने जो अनुभव किया है, बीजेपी का अनुभव तो रवीश जी ने आपको बताया, मैं आपको कहता हूं कि रोज आपको गालियां मिलती है, नेहा ने कुछ अनुभव कहे, लेकिन जब ये आपको, ये हम सबको स्वीकार करना होगा, जब आपके बारे में रेप जैसी चीज लिखे जाती है। एक दिन सोशल में ट्विटर पर मैंने देखा कि मेरा ही ट्वीट है, मेरा ही फोटो है, और मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी चुन के आते हैं तो मैं नंगा घूमूंगा। अरे यार, मैंने कब ये ट्वीट किया था? मैंने सोचा
मैं तो डर गया। फिर देखा जो W है दो V को जोड़कर एक W बनाया और फेक अकाउंट तैयार किया। जब जब मैं बीजेपी पर या मोदी जी पर आलोचना करता हूं तब तब ये ट्वीट बार बार वापस ट्विटर पर आता है। उसके बाद में एक दिन एक ट्वीट आ गया, आपने अपने ऑफिस के किसी लड़की का मॉलेस्टेशन किया है। देखो मॉलेस्टेशन जैसी धमकी है, रेप जैसी धमकी है, हम कितने भी बहादुर हो डर तो लगता है। ये क्या आरोप हो रहा है हमारे ऊपर? ये तो बिल्कुल ही कैरेक्टर असैसिनेशन है। हमारे पास और कुछ नहीं, हमारी ऑनेस्टी है और कैरेक्टर है। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है और हम समाज को या लोगों को सच बताना चाहते, इतना ही छोटा सा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्विटर पर फेसबुक पर आप पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगता है और करने वाले जो है हम लोगों को रोज उनका अकाउंट देखकर मालूम पड़ता है किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब ऐसे ट्रोल मोदी जी की पार्टी पैदा करती है, वैसे ही ट्रोल मैंने अनुभव किया है कांग्रेस पार्टी भी पैदा करती है। मैंने अनुभव किया है, मैं आपको साफ कहता हूं, सबसे खराब बीजेपी के ट्रोल है, वो तो जहर फैलाते ही है, लेकिन जब आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी की आलोचना करते हैं तब भी आपको गालियां मिलती है। आप अन्ना हजारे पर आलोचना कीजिए तब भी आपको गालियां मिलती है। आप और किसी पर अरविंद केजरीवाल पर को क्रिटिसाइज कीजिए तब भी आपको गालियां मिलेगी। लेकिन सबसे जहरीले ट्रोल तो बीजेपी के है, ये भी सच है। तो इस प्रकार के से अगर आपकी बदनामी की जाए तो जैसे रवीश जी ने कहा कि आपके परिवार को क्या लगेगा, आपके बच्चों को क्या लगेगा, आपके बीवी को क्या लगेगा। ये तो हम लोगों पर आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, समझ में आता है, हमें तो आदत हो गई, लेकिन ये हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ते। रवीश जी ने इसका अनुभव किया है। जब आप पर कुछ इसका असर नहीं हो रहा तो आपके बीवी पर लिखेंगे, बीवी पर ही। एक दिन किसी ने मुझे कहा, ये कहने में भी मुझे शर्म आती है, लेकिन किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर बना है अपने देश में, और पत्रकारों को चुप कराने के लिए, मैं आपको बताता हूं, मुझे किसी ने कहा कि आपकी बीवी किसी के साथ सो रही है, ट्वीट किया, ट्वीट देखिए रवि जी, ट्वीट किया, मैं ये मेरे बीवी को दिखा भी नहीं सकता। उसको किसी ने टैग किया तो उसके पास गया तो वो मेरे पास आ गई, ये क्या हो रहा है? उसने मुझे कहा आप मुझे रिट्वीट या ट्वीट मत कीजिए, क्योंकि आप अगर रिट्वीट करते हो तो बहुत बहुत गालियां पड़ती। इनका प्लान साफ है, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी हो सनातन हो, ये लोग एक तो लोकतंत्र में मानते नहीं, और इनकी सत्ता तभी चलेगी जब इस देश का लोकतंत्र मर जाएगा। और लोकतंत्र मरने के लिए जरूरी है कि पत्रकार चुप हो, पत्रकार सत्य का खोज न करे, पत्रकार सच बात न बताए, पत्रकार आलोचना न करे। मैंने हर पार्टी पर आलोचना की है। 2014 के पहले हम लोग रोज कांग्रेस की आलोचना करते थे, वहां रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे बैठे थे, हम वहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, बीजेपी वाले बड़े खुश होते थे, यार रोज कांग्रेस की आलोचना हो रही है, कभी 2G का मामला है, कभी कोल स्कैम का मामला है। दो मैं आपको बताता हूं, ये जो कल्चर है ट्रोलिंग का या अब्यूज का या इंटिमिडेशन का, 2012-13 के बाद शुरू हो गया। और मैं साफ कहना चाहता हूं, जब से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब से ये जो कल्चर है इस प्रकार के ट्रोलिंग का, वो बहुत ही प्रभावी हो गया। सबसे बड़े ट्रोल तो पहले हमारे मालिक ही बन गए। मैं आपको बताता हूं, ये अलग अलग जिनका नाम नहीं है अलग अलग नाम से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2007 से 2014 तक IBN लोकमत का संपादक था, 2007 से 13 तक मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कभी मुझे मेल नहीं लिखा था मेरे ट्वीट के बारे में। पहली बार 2013 में राघव बहल जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये भी आना चाहिए रिकॉर्ड पर कौन कौन क्या कर रहा था,
उन्होंने मुझे मेल लिखा कि आप आरएसएस के बारे में, मोदी जी के बारे में जब ट्वीट करते हो तो जरा सावधानी बरताइए। जो मालिक 2007 से, क्योंकि मेरे एडिटर इन चीफ नेटवर्क के एडिटर तो राजदीप सरदेसाई थे, वो रोज मुझे मेरे ट्वीट देखते थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर पहली बार 2013 में मुझे कर रहा है जब आप मोदी जी पर ट्वीट कर रहे हो या आरएसएस पर, जरा सावधानी बरताइए। यही मीडिया ओनर्स है, यही मीडिया ओनर्स है जिन्होंने अपने पत्रकारों का ट्रोलिंग शुरू किया डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। मैं कितने किस्से आपको बता सकता हूं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तब से मोदी जी के खिलाफ न्यूज सेंसर होना शुरू हो गई थी, हमारे नेटवर्क में भी हुई थी। जब सरदार पटेल के स्टैचू का भूमि पूजन हुआ था तब वहां के जो लोकल जो रहवासी थे उन्होंने आंदोलन किया था, नेशनल मीडिया पर यह आंदोलन बिल्कुल नहीं आया, आया होगा तो एक्सेप्शन में आया होगा, लेकिन मेरी रिपोर्टर मुंबई से मैंने वहां भेजी थी गुजरात में, और हमने ये सारा मामला जो थे वहां के जो लोग थे, जो एनजीओस थे, इसका विरोध कर रहे थे, ये पूरा हम लोगों ने न्यूज बनाकर दिखाया। लेकिन मेरा ही जो नेशनल चैनल था सीएनएन आईबीएन, उन्होंने ये नहीं दिखाया, उन्होंने एयर ही नहीं किया। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी चीज नहीं शुरू हुए है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले ही मोदी जी क्रोनी कैपिटलिस्ट और मीडिया का इस देश में एक अपवित्र अलायंस हुआ था, ये आप समझ लीजिए। और इनका धंधा ही बन गया है, टेक्निक ही बन गया है कि आप ट्रोल करो, ट्रोल से नहीं डरता है तो धमकियां दो, धमकियों से नहीं डरता है तो एक दिन खून कर दो। मैं आपको बताता हूं, इतने हमले मैंने देखे हैं, इतने गालियां देखी है, मेरा पुलिस पर विश्वास नहीं है। हम कहते हैं हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है, एक भी केस में इतने साल में 79 में मेरे पर पहला हमला हुआ था, एक भी केस में कोई भी हमलावर अरेस्ट तो करते हैं, बेल मिल जाती है, आज तक किसी को सजा नहीं हुई है, आज तक 79 से लेकर आज तक। और तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन हमें बात करनी चाहिए इस तरह के अलोकतांत्रिक पॉलिटिकल कल्चर की। अगर आप हमलावरों को सजा नहीं देंगे, अखलाक का हमलावर हो या फिर पत्रकार का हमलावर हो, किसी को भी सजा नहीं मिलेगी, तो लोगों तक मैसेज क्या जाता है? आप जरा इसका विचार कीजिए, सोच लीजिए इसके बारे में। मैं जो कह रहा हूं, इस सरकार ने इस प्रकार के ट्रोलिंग या धमकियां या इंटिमिडेशन को लेजिटिमेसी दी है, जैसे रवीश जी ने बताया, मोदी जी को तो इनको फॉलो करते ही है, लेकिन बीजेपी के कैबिनेट के बहुत सारे नेता भी इनको फॉलो करते हैं और इनको रिट्वीट भी करते। घटिया घटिया जो ट्विटर पर लोग हैं, जो गंदी गंदी बातें फैलाते हैं, झूठ बातें, बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन जिनको मैंने ब्लॉक किया है मैंने, क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन थी संजू वर्मा नाम की है, अभी है, उन्होंने तो मुझे लिखा आप पेड जर्नलिस्ट है और क्या बोलते हैं वो प्रेस्टिट्यूट है, अगर आपके पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर जर्नलिस्ट पर ये आरोप लगाता है, देखो आप हमें पेड जर्नलिस्ट कहते हैं, हम लोगों ने किसी का एक पैसा भी नहीं लिया आज तक, यही कैरेक्टर हमारी अमानत है। और आप कहेंगे सोशल मीडिया पर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया। पहले पहले बहुत मुसीबत होती थी, बहुत नींद नहीं आती थी ऐसा ये पढ़कर, क्योंकि ये अनुभव तो हम लोग पहली बार कर रहे थे। नेहा ने कहा आपको औरतों को किस टाइप से लिखा जाता है, वुमेन जर्नलिस्ट को तो गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी बातें लिखी जाती है कि हम पढ़ नहीं सकते। किस प्रकार का ये कल्चर है? आर दीज एजुकेटेड पीपल? इनको आप कह सकते हैं ये एजुकेटेड है? आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर लोगों के बारे में ऐसी चीजें लिख रहे हो तो मैं मानता हूं आप एजुकेटेड भी नहीं है और आप सुसंस्कृत भी नहीं, ये समझ लीजिए आप। लेकिन मैं आपको कहता हूं, किसी ने कहा जान जाने का वक्त आया है, सचमुच जान जाने का वक्त आया है, पुलिस हमें बचा नहीं सकती। जब मैंने सनातन के लिस्ट पर, टारगेट लिस्ट पर मेरा नाम है ऐसा सब जगह आया, न्यूज आई, तब पुलिस मेरे घर आई।
एक बड़े पुलिस अफसर ने मुझे फोन किया और कहा देखो आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मैंने कहा कि देखो प्रोटेक्शन लेके तो कुछ नहीं होगा, मेरा पुलिस पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि पहले जो हमले हुए हैं हमले के वक्त हमारे यहां की सिक्योरिटी और पुलिस गायब थी। मेरे समझ में नहीं आता अगर हमले के वक्त पुलिस नहीं है तुम्हारी वो सिक्योरिटी कैसी करेगी। तो मैंने पुलिस को कहा कि मेरा पुलिस पर विश्वास नहीं है, मुझे पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, पुलिस अफिसर ने कहा कि आप ध्यान में रखिए कि शिवसेना ने आप पर हमले किए हैं, लेकिन शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, सनातन एक कल्ट है, कल्ट तो वो किसी दिन आप पर कुछ भी कर सकते। ये पुलिस अफसर कह रहा है। इस देश में अगर एक आतंकवादी कल्ट अगर किसी भी दिन किसी भी समय किसी को भी मार सकता है तो क्या इस देश में संविधान है, कानून है? मेरा यह सवाल है। आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे, एक पुलिस कांस्टेबल या कोई एक पुलिस अफसर मेरे साथ आ जाएगा, क्या मुझे वो बचा सकता है? आपको एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को सुरक्षित लगे। एक को, दो को, तीन को प्रोटेक्शन देके कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। दाभोलकर का खून हुआ, पानसरे का खून हुआ, गौरी लंकेश कलबुर्गी का खून हुआ, कल किसी का भी हो सकता है। मैं आपको आज ही ये बताना चाहता हूं, कोई व्यवस्था नहीं है। इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन मैं ये विश्वास से नहीं कह सकता कि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के मर्डर में जिनको अरेस्ट किया है उनको आगे चलकर सजा होगी, ये विश्वास मुझे नहीं है। क्योंकि सबूत इकट्ठा करने में पुलिस गड़बड़ करती है, बाद में ये लोग छूट जाते हैं। तो इस सिस्टम पर मेरा विश्वास नहीं है। एक जमाने में था 25 साल पहले 30 साल पहले मुझे लगता था ये सिस्टम सुधरेगी। तो क्या करना चाहिए? आखिरी मेरा मुद्दा ये है कि क्या करना चाहिए। मैं इस सम्मेलन के जो आयोजक है उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का ये पहला नेशनल कन्वेंशन है। इसके पहले हम इकट्ठा होते थे जब हमला होता है तब या हमला होने के बाद। आपने कन्वेंशन हमला होने के पहले लिया, ये अच्छी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसे कोई एक सिस्टम बनाए जहां पत्रकारों को सुरक्षित महसूस होगा। मुझे मालूम है आप कोई पुलिस का काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसके ऊपर हमला होता है तो पुलिस भी ठीक तरह से FIR नहीं लेती, बाद में फॉलोअप नहीं होता, बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, डिफेमेशन केसेस ये बड़ा हथियार बन गया है। सनातन ने पिछले साल में मेरे ऊपर 3 डिफेमेशन केसेस किए हैं। हर आर्टिकल के बाद वो डिफेमेशन केस करते हैं, और डिफेमेशन कहां से? गोवा से, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर गोवा है। इनका मकसद ये है कि डिफेमेशन केस करके आपको परेशान किया जाए। हर बार आपको गोवा जाना पड़ता है, हर बार जहां कहीं केस है वहां जाना पड़ता है, तो एक प्रकार का ये टॉर्चर है। और ये दिस इज अब्यूज ऑफ द सिस्टम, लेकिन दिस पीपल आर डूइंग दैट। पत्रकारों को डराने के लिए कानून का इस्तेमाल भी इस तरह से ये लोग करते हैं। इसलिए इन्होंने एक हिंदू विधिज्ञ परिषद भी बनाई है, एक लॉयर्स का संगठन बनाया है जो हिंदुत्व पर विश्वास रखते हैं। मेरा कहना यह है कि हम जैसे लोगों को, एक तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। एक जमाने में पत्रकारों के संगठन थे, हमारे यहाँ बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट था, हम लोग लड़ते थे, रास्ते पर उतरते थे। जब बिहार प्रेस बिल आया तब हम लड़े, फिर और कुछ आया तो हम रास्ते पर उतर आए। आज के ज़माने में पत्रकारों के संगठन नहीं रहे, एडिटर गिल्ड तो कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि जब कुछ घटना होती है हमें 10 बार ट्विटर पर लिखना पड़ता है कि एडिटर गिल्ड का स्टेटमेंट कहाँ है। एडिटर्स गिल्ड के जो अध्यक्ष है वो 10 दिन के बाद स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लगता है आपका संगठन और CPJ ने मिलकर कुछ करना चाहिए कि इस प्रकार के जो केसेस है, हमले के केसेस हो, अटैक्स के केसेस हो, इनका फॉलोअप करने के लिए उस पत्रकार को मदद करनी चाहिए हमें। मैं आपको कहता हूँ, हम तो शहरवासी पत्रकार हैं, मैं मुंबई से आता हूँ, ये लोग दिल्ली से आते हैं। सबसे खराब हालत तो गांव के पत्रकारों की है,
उनको तो नौकरी भी परमानेंट नहीं है, वो तो फ्रीलांसर है, हमारे स्टिंगर्स है, कहीं दारू माफिया उनको मार रहा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे एपिसोड्स हो गए, कहीं रेत माफिया है, कहीं दारू माफिया है, कहीं शुगर माफिया है। रूरल एरिया में, गांव में पत्रकारों पर ये लोग हमला करते हैं, पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करती, क्योंकि ये माफिया कोई पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का हो वो चलाता है। इन पत्रकारों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम लोग लड़ सकते हैं, शहर में जो पत्रकार है हमारे जैसे वो लड़ सकते हैं, लोग साथ भी देते हैं, और लोग साथ देते हैं इसलिए हम यहां तक आए हैं। लेकिन ये गांव के जो पत्रकार है, वो दूर दूर प्रदेश के जो पत्रकार है, उनके लिए हम लोगों को एकजुट होके कुछ करना चाहिए। मरने का तो डर है नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, कभी भी आप मर सकते हैं, कभी भी आपको गोली लग सकती है, गाली तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये डर है इसलिए हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी पत्रकारिता एक सत्य का खोज है, और इस खोज के लिए हम हमारी जिंदगी देने के लिए भी तैयार हैं। आप हमें मारो, कोई नया पत्रकार आके यही काम करेगा, जरूर करेगा, तो हम ट्रोल से डरते नहीं, हम धमकियों से डरते नहीं, हम हमले से डरते नहीं, हम सिर्फ डरते हैं एक बात से, कि जो पत्रकारिता कुछ चंद लोग कर रहे हैं, अच्छी पत्रकारिता, क्या वो तो मरेगी नहीं। धन्यवाद।